Assalamualaikum dear SLS students, today is our lecture number 37 of countdown 3. जी बच्चों, आज हमने पेज नंबर 32 जो है ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बुक पर सॉल्व करेंगे. लेट्स ओपन योर बुक्स. जी बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 8 है. 11th अगस्त 2020 ट्यूसडे का आपका दिन है और आपने क्वेश्चन नंबर 8 पर ही आज की डेट और सीए आपने जैसे आप मेंशन करते हैं डेट और डे के साथ आप मेंशन करेंगे. उसके बाद ऐड, यानी कि आज आपने पैसों को ऐड करना सीखना है. उसके लिए हम पहले हेल्प लेंगे जी बोर्ड से और फिर हम बुक के ऊपर सोल्यूशन. जी तो प्यारे बच्चों, आज हम एडिशन जो है पैसों को ऐड करना सीखेंगे कि पैसों को ऐड कैसे किया जाता है. पैसों को ऐड करने के लिए आपके पास एक तो ये है कि यहाँ पर तो आपको डिजिट्स जो हैं वो वर्टिकली जो हैं राइट हुए हुए हैं आपने, ठीक है. जो पॉइंट से पहले डिजिट्स हैं वो आपके रुपीज़ को शो कर रहे हैं, जबकि पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो पैसा शो करते हैं. यहाँ पर पैसाज में पैसाज जो हैं वो ऐड होते हैं और रुपीज़ में रुपीज़ ही ऐड होते हैं. और जब डिजिट डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है ऐड करते हैं तो सिंपली जैसे हम कैरी ट्रांसफ़र करते हैं उसी तरह हम कैरी ट्रांसफ़र करते हैं. यहाँ सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आपने रुपीज़ में पैसाज में जब पैसाज ऐड करेंगे और उसके बाद आपने पॉइंट का भी एडिशन करना होगा आंसर में. हम एडिशन स्टार्ट करेंगे. एडिशन जो है आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आप कैसे ऐड करते हैं. ज़ीरो में फाइव प्लस करेंगे, यानी कि ज़ीरो में जब कोई नंबर प्लस नहीं होगा तो आपके पास आंसर फाइव ही रहेगा. इसी तरह सिक्स में वन जब प्लस होंगे तो सिक्स में वन ऐड करने पर आपके पास सेवन आ जाएगा. अब आप देखें कि पैसाज की आपकी एडिशन कंप्लीट हो गई है. अब आपने यहाँ पर जो है पॉइंट ऐड करना है, यानी कि आपके पास अब पैसा 75 हो चुके हैं. अब रुपीज़ आप देखें कि 3 रुपीज़ हैं और 4 रुपीज़ हैं. प्लस और माइनस करने के लिए यूनिट का सेम होना जो है वो ज़रूरी होता है. तो इसमें पैसाज में पैसाज ऐड होंगे और रुपीज़ में रुपीज़. 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7. तो आपके आंसर हो जाएगा रुपीज़ 7.75, यानी कि 7 रुपीज़ हैं और 75 पैसाज हैं. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे और उसमें भी आप एडिशन देखेंगे. 0 में जब 0 प्लस होंगे, पैसाज में पैसा 0, ठीक है. 6 में 4 जब प्लस कर रहे हैं तो बच्चों आपके पास डिजिट आ रहा है 10. आप जैसे आप पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वन प्लेस पे आने वाला डिजिट जो है वो नीचे होता है राइट करते हैं, जबकि जो है टेंथ प्लेस पर आने वाला जो डिजिट है वो नेक्स्ट नंबर पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कैरी एज कैरी, ठीक है. अब हमने टेंथ टोटल फुल राइट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट के बाद डिजिट रुपीज़ के लिए दिया गया है हमने कैरी को वहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है. 5 में आप वही कैरी वाला 1 प्लस हो जाएगा. अच्छा जी, अब आपने पैसों की आपकी एडिशन कंप्लीट हो गई है. आपने ऐड किया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है. अब 5 में जब 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और 1 में कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा तो 16. आपका आंसर हो जाएगा रुपीज़ 16. तो जी बच्चों, जब भी आपके पास ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब डबल डिजिट में आपके पास नंबर आएंगे तो वंस प्लेस का नंबर नीचे राइट करेंगे, जबकि टेंस प्लेस वाला नंबर नेक्स्ट नंबर पे आपका कैरी ट्रांसफ़र होता जाएगा. तो एडिशन पहले जैसे आप करते हैं वैसे ही. यहाँ पर सिर्फ जो है पॉइंट का आपका डिफरेंस आएगा, यानी कि रुपीज़ और पैसों के अंदर जो है आपने यहाँ पर आंसर में पॉइंट भी ऐड करना होगा. ये दो क्वेश्चन आपने बोर्ड पे जो है सीखे. बाकी एडिशन भी सेम लाइक जो है इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है. तो अब हम बाकी क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है हम कॉपी के बुक के ऊपर देखेंगे. जी तो बच्चों, हमने पहले दो क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लिया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 का सी पार्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. 5 में जब 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0. 10 का हमने क्या राइट किया 0 और 1 आपका ट्रांसफ़र हो गया कैरी, ठीक है. 6 में 1 प्लस करेंगे 7 और 8 और 9. अब जो पैसाज की कंप्लीट होने के बाद हमने क्या ऐड किया पॉइंट, ठीक है. अब रुपीज़ की एडिशन स्टार्ट करेंगे. 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10, ठीक है. 0 हमने यहाँ राइट किया, जबकि 1 हो जाएगा आपका कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगा. 4 में 2 प्लस करेंगे 6 और 1 7, रुपीज़ हो जाएगा 70.90, ठीक है. पैसा से हम ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है. 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही रहेगा. 7 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 12, ठीक है बच्चों. अब आपने 2 राइट किया, ठीक है, वंस प्लेस का डिजिट, जबकि 1 जो आएगा वो आपका नेक्स्ट यानी कि रुपीज़ वाले नंबर पर कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगा. आपने ये नहीं कहना कि आपने एक पॉइंट आया तो आपने यहीं पर 12 राइट करना है, ऐसा नहीं है. आपने ये पैसाज का जो 1 है ये आपने रुपीज़ पर कैरी ट्रांसफ़र कर दिया,
ठीक है, अब आपने पॉइंट का एडिशन किया, ठीक है, अब उसके बाद आपने 6 में 3 प्लस करेंगे 9 और 1 10 हो गया, 10 में 0 राइट करेंगे और 1 नेक्स्ट पे कैरी ट्रांसफर हो जाएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 और 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 70.25। बच्चों एडिशन आपकी पहले क्वेश्चन जैसे आप ऐड करते हुए करते हैं वैसे ही है, सिर्फ आपने यहाँ पर पॉइंट का ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप पॉइंट को अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो आपकी ये सारा आंसर पैसाज में आ जाएगा, रुपीज़ आपके शो नहीं होंगे, तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 में 5 प्लस करेंगे 0 और 8 में 1 प्लस 10 हुआ, 0 हमने राइट किया और 1 आपका कैरी ट्रांसफर हो गया, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, आपके पैसों की एडिशन कंप्लीट हुई, अब आपने पॉइंट भी पहले ऐड करना है और उसके बाद रुपीज़ की। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो साथ में जो है एडिशन कर लेते हैं और पॉइंट जो है वो रिमूव कर देते हैं, या पॉइंट को उनको ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो आंसर रॉन्ग हो, प्लस करने के बावजूद रॉन्ग हो जाता है। अब आपने क्या है पॉइंट ट्रांसफर किया, 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 0 और 1 गोज कैरी, 4, 1, 5 एंड 1, 6, आंसर विल बी 60.90 रुपीज़, 5, 10, 0, 1 गोज कैरी, 7, 7, 14 एंड 1, 15, 5 एंड 5 इज हियर, 15, 5 इज हियर एंड 1 गोज टू कैरी। अब आपने पहले आपने पॉइंट यहाँ पर लगाना है, उसके बाद आपने एडिशन स्टार्ट करनी है रुपीज़ की, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, तो आपका आंसर हो जाएगा रुपीज 79.50। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे, 5, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 2, 10, और आपने मल्टीप्लाई का रूल भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि 5, 5 टाइम आप इनको प्लस करें, तो 5 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है, 5, 3, 15 आपका आया, 5 आपने राइट किया और 1 आपने कैरी ट्रांसफर किया, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 13, 13 में सॉरी 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 16 और 1 17। अब आपने 7 को नीचे राइट किया जबकि 1 को आपने कैरी ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपने एडिशन स्टार्ट करने से पहले आपने पॉइंट ऐड किया और फिर आपने इनकी कंप्लीट करेंगे 3, 2, 5, 1, 6 एंड 7, 7 रुपीज़ 75 पैसा, 5, 3 अगेन जो है 15 होता है, 5, 1 गोज कैरी, 7, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 एंड 1 13, 3 इज हियर। अब आपने 1 को ट्रांसफ़र किया, ये आपका डबल डिजिट आया, 3 आपने नीचे राइट किया और 1 टेंथ प्लेस का नंबर आपने नेक्स्ट नंबर पे आपने पॉइंट के बाद आपने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया कैरी। अब आपने पॉइंट का नीचे एडिशन करना है बच्चों, ठीक है, आपने पैसा के पहले जो है आपके, फिर आपने 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 18 और 1 ऊपर वाला कैरी 19, रुपीज़ 19.35 हो जाएगा बच्चों जी। 5 में 5 प्लस करेंगे 0, 1 गोज कैरी, 8, 1, 9 एंड 10, 0 आ गया, अब 1 कैरी हो जाएगा ट्रांसफ़र रुपीज़ पर, ठीक है, पॉइंट आपने नीचे ऐड किया और फिर आपने एडिशन की, ठीक है, 6, 6, 12 एंड 4, 16, 6 इज हियर एंड 1 गोज कैरी, 2, 1, 3 एंड 4, आपने रुपीज़ आ जाएगा आपका 46.00 पैसा। अब आपने पैसाज की एडिशन करेंगे, 0 में 0 प्लस 0, 6 1 7, 7 7 14 एंड 1 सॉरी 6, 6, 6 1 7, 7 7 14 एंड 1 15, 150 पैसाज, ठीक है। इसी तरह जीरोज में 5 प्लस होंगे तो हमारे पास 5 ही रहेगा, 7 1 8 एंड 4 12। आप बच्चों इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, 7 1 8 से आगे आपने 4 डिजिट का काउंट कर लिए तो आपका 12.25 पैसा, 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 हुआ तो आपका 0 ऐड राइट करेंगे और 1 कैरी का राइट होगा 9 पर, 9 1 10 और 3 13, 130 पैसा। इसी तरह 0 में 5 प्लस होके 5, ठीक है, और 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10, 10 में जब 2 प्लस हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 125। ये आपके पैसाज की ही जो है वो एडिशन भी आपने साथ में सीखी। तो बच्चों आपने रुपीज़ और पैसों में जो है वो एडिशन करने के लिए आपने कैरी को मस्ट जो है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप कैरी रिमूव कर देंगे, कुछ बच्चे कैरी जो है वो रिमूव कर देते हैं और प्लस कर देते हैं सिर्फ, जिसकी वजह से उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो अब आपने पॉइंट का ध्यान रखना है, जब आपके पैसों की आपकी एडिशन कंप्लीट हो जाए तो आपने पहले पॉइंट लगाना है और फिर आपने रुपीज़ की एडिशन करनी है। तो बच्चों आपने इन्हीं क्वेश्चंस को बुक के ऊपर सॉल्व भी करना है और इन्हीं की प्रैक्टिस भी करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।